नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो चुका है, हम उनका अभिवादन करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लगभग 1,48,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत करीब 709 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त जारी करेंगे। जन कल्याण के इस पर्व पर त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लव कुमार देव जी से स्वागत भाषण हेतु अनुरोध करता हूं। सबको नमस्कार। मैं पहले त्रिपुरा के त्रिपुर श्री माँ के पुण्य भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पल का हम लोग साक्षी हो पाए आपके आशीर्वाद के कारण से, क्योंकि इतनी बड़े मात्रा में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर कभी भी त्रिपुरा में नहीं आई है। और इस कार्यक्रम में वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय गिरिराज किशोर जी, त्रिपुरा सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय जिष्णुदेव वर्मा महोदय, वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए केंद्र सरकार के केंद्रीय प्रतिमंत्री सामाजिक विभाग के आदरणीय प्रतिमा भौमिक महोदया, हमारे पूर्व लोकसभा के सांसद रेवती त्रिपुरा महोदय और हमारे कैबिनेट के सभी कॉलीग्स एवं त्रिपुरा सरकार एवं भारत सरकार के सभी आधिकारिक एवं 58 ब्लॉक से जुड़े हुए सभी मंत्री, विधायक, जलाधिपति और डीएम, बीडीओ, मैं सभी को बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम के लिए। और विशेष करके जो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बताया, ये घर इसलिए संभव हुई माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि त्रिपुरा में टीन की शेड जो अंत्योदय परिवार का है 1,25,000, उनका भी टीन की शेड होती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में टीन की शेड जहां होती है तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना का घर नहीं मिलती। आपके मार्गदर्शन से, आपके आशीर्वाद से ये संभव हो पाया सिर्फ त्रिपुरा और असम के लिए। आपने नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो आपका भावना है, प्यार है, वो दिखा और उस कारण से टीन के शेड जहां जहां है उसको घर देने के लिए हम लोग कर पाए आपके मार्गदर्शन में। और इसीलिए इतनी बड़े मात्रा में 1,59,000 घर एक साथ सेंक्शन हुआ, जो कि पिछले 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 46,000 ही घर हमको मिली थी। 5 साल में 46,000 घर मात्र, और एक साथ 5 सितंबर एक साथ 1,59,000 घर का सेंक्शन, ये त्रिपुरा के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है गरीबों के लिए। उनको एक साथ इतने बड़े घर मिल रही है। और आज जो आप 1,48,000 घर का आप शुरुआत, उनका पहला किस्त देने जा रहे हैं आपके कोरोकोमल द्वारा, हम लोग इससे बहुत खुश हैं। और साथ ही साथ आपको एक मैं जानकारी देना चाहता हूं, नए सरकार आने के बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने बहुत काम किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, जो कि आपके सबसे बड़े इच्छा वही है, महिला को आगे लेके जाए। हमारे पास जब सरकार में आए थे 4,062 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप थी TRLM के माध्यम से, जो कि 100 करोड़ के आसपास इकोनॉमी थी, और आज वो बढ़ के इतने कम समय, कोविड की परिस्थिति थी आप सब जानते हैं, हम लोग 26,062 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला द्वारा बनाया है। और उसमें NRM के माध्यम से लगभग 400 करोड़ की लागत लगाया, और उसमें ओनली 7% इंटरेस्ट, ये जो कि पहले 12% इंटरेस्ट होती थी, इसको कम करके देश में अकेला त्रिपुरा राज्य 7% कर दिया आदरणीय गिरिराज जी के मार्गदर्शन में। और साथ ही साथ बैंक लोन हमने 307 करोड़ कराया, मतलब 100 करोड़ से जाके 700 करोड़ के आसपास इकोनॉमी, इसमें 2.78 माने 2,78,000 महिलाएं युक्त हुई है, और इससे त्रिपुरा की महिला स्वनिर्भर तरीके से काम कर रही है। और आपको खुशी होगी, त्रिपुरा के महिला के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में तैयार जो सामग्री है वो हमारे जो रेशन के दुकान है सरकारी,
इसमें बेचने का हमने प्रावधान बना दिया, बनाएंगे और वोकल फॉर लोकल वही सरकारी रिलेशनशिप में वो बेची जाएगी, इसका चेन हमने बना दिया है और उससे त्रिपुरा के महिलाओं में बहुत उत्साह आया है। और साथ ही साथ मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं, हमारे त्रिपुरा के नाम पहली बार 15 अगस्त में लाल किला से आपने ब्रू रियांग शरणार्थी के बारे में बोलते समय वहां से आपने संबोधित किया, हमारे राज्य का नाम लिया, हम लोग प्रफुल्लित है। हम लोग पहले चल नहीं पा रहे थे नॉर्थ ईस्ट के राज्य, सभी आपने हमारे नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को चलना सिखाया, अब हम दौड़ना चाहते हैं। आपने जिस तरीके से त्रिपुरा को इतने घर दिया है, हम लोग बहुत आशान्वित है आपके मार्गदर्शन में। जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट चलना शुरू किया है, हम तो रुके हुए थे, चलने का कोई रास्ता ही नहीं था, रेल नहीं था, एविएशन नहीं थी, कुछ नहीं, आज त्रिपुरा को कितना कुछ मिल गया, नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ मिल चुका है। और मैं आपको वादा करना चाहता हूं त्रिपुरा के लोगों को साथ लेके आपके मार्गदर्शन में हम 2022 तक आपका जो सीमा है उससे पहले हम लोग घर देने में सफल होंगे। ये जो घर 25 मई को हमने काम शुरू किया था, बहुत ही कम समय के अंदर इसको हमने सबके पांच पहला किस्त देने में पहुंचाने में सक्षम हुई है। और मैं दोबारा आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, त्रिपुरा के लोगों को संबोधित करने के लिए, हम लोगों को उत्साहित करने के लिए आपने समय निकाला, इसलिए मैं त्रिपुरा सरकार की तरफ से, त्रिपुरा के जनता की तरफ से बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं मानता हूँ जिस तरीके से आपने त्रिपुरा को अपनाया है, आगे भी ऐसा ही त्रिपुरा के लोगों के भाग्य को आपने आगे लेके जाएंगे, ये बोलते हैं मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से संबोधन हेतु आग्रह है। धन्यवाद। माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज विश्व के सर्वाधिक जनप्रिय दूरदर्शी लोक कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख नेतृत्व के रूप में देश एवं विश्व को एक नई दिशा दी है। चाहे आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करने का काम हो या जलवायु परिवर्तन के लिए, चाहे आपने योग को पूरे दुनिया में स्थापित करने का काम किया और कोरोना के काल में आपने जीरो से हीरो बनके पूरे दुनिया को बताने का काम किया कि कैसे मैनेजमेंट होता है, आत्मनिर्भर भारत में आपने वैक्सीन भी लाने का काम किया, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया आपके नेतृत्व को स्वीकार रहा है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री और त्रिपुरा के सभी मंत्रीगण, भारत सरकार के मंत्रीगण और भारत सरकार और त्रिपुरा के सभी अधिकारीगण और लाभार्थी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आज यह कार्यक्रम आजादी के बाद सबके लिए आवास जो देश में एक नारा था, लेकिन आपने आपके दृढ़ इच्छा शक्ति एवं संकल्प के बल पर यह हकीकत में बदला। आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये कार्यक्रम 1985 से चल रहा है, चाहे नाम जो भी हो, इंदिरा आवास हो। 29 वर्ष में पूरे देश में केवल 3 करोड़ 25 लाख ही आवास मिल पाया। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे और आपके कार्यकाल में 29 साल बनाम आपका कार्यकाल, आपने 3 करोड़ के लगभग लक्ष्य रखा जो अब जमीन पर पूरा हो रहा है समय के साथ, चाहे त्रिपुरा हो चाहे देश का अन्य भाग। उसके साथ 74 लाख वैसे भवनों को भी बनाने का निर्देश दिया आपने, जो पीछे की सरकार 29 साल में जीर्ण शीर्ण अधूरा था। यानी हमने 3 करोड़ 70 लाख का लक्ष्य
रखा 29 साल बनाम आपके कार्यकाल को जमीन पर उतारने का, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मैं त्रिपुरा को देखूं, 29 साल में केवल 1,89,000 घर यहां हुए थे, वो भी चेहरे देख करके। कार्य क्या क्या नाम था मैं उस पर जाना नहीं चाहता राजनीतिक दृष्टि से, गरीबों को नहीं बल्कि चहेतों को दिया गया। और आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से ही सुना, आज ही आप करीब 1.5 लाख लाभार्थी को एक बार 48,000 रुपया प्रत्येक लाभार्थी को 1 मिनट बटन दबा करके उनके खाते में जाने का काम करेगा। यहाँ पारदर्शिता भी दिखता है प्रधानमंत्री जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और तो और, पहले केवल 75,000 इसका लागत था, अब आप 1.5 लाख की लागत हो गई, घर भी आप दे रहे हैं। मनरेगा और उनके घर के जो लोग काम कर सकते हैं, मजदूरी को भी 90 दिन जोड़ रहे हैं, 95 दिन, शौचालय भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं और घर में जलाने के लिए चूल्हा भी दे रहे हैं। शायद गरीबों का आशीर्वाद, गरीबों का सपना आज साकार हुआ है, यह केवल नारा नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, मैं आज आपके माध्यम से सभी लाभार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाह रहा हूं कि आज भारत के प्रधानमंत्री आपके सपनों को साकार कर रहे हैं। आप आज जो आपके खाते में पैसा जाएगा उसका सदुपयोग करेंगे, कोई बिचौलिया आपके बीच न घुस पाए। और जो हमारा नारा है प्रधानमंत्री के संकल्प का, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबको आवास, आज इसी कार्यक्रम में मैं फिर से सभी को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि सभी लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को आपसे परिचर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं श्रीमती अनीता कुकी देव वर्मा, जो धलाई जिले में रहती हैं, को आमंत्रित करता हूं। अनीता जी नमस्ते। नमस्ते सर। अनीता जी बताइए, पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहूंगा, आप क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे मुसीबतों में जीवन गुजारा करती हैं, ऐसा समझना चाहता हूं। सर मेरी नाम अनीता देव वर्मा है, मैं मजदूरी का काम करती हूँ सर। मैं त्रिपुरा धौलाई डिस्ट्रिक्ट कमलछरा गांव मैं रहने वाली हूँ। घर में मेरी अलावा 2 बेटा है सर, वो लोग पढ़ाई करता है। फिलहाल तो मिट्टी का घर में रह रही हूँ सर। आरती जी, आपकी कोई पढ़ाई हुई क्या? ना सर, नहीं हुई। अच्छा, आप कच्चे मकान में रहती हैं, करती क्या है? सर मैं मजदूरी का काम करती हूँ। मजदूरी में किस प्रकार से मजदूरी करती है, क्या काम करती है? मजदूरी खेती में काम करती हूँ सर। खेती में काम करती हूँ। हाँ जी। लेकिन ये मकान बनाना है तो कैसे बनाओगी? मकान मिस्त्री लोग का मदद लेके बनाऊंगी सर। तो आपको कुछ आता है मिस्त्री वाला काम, कुछ जानती हैं आप?
मिस्त्री वाला काम तो नहीं जानती हूँ सर, फिर भी वो मिट्टी वगैरह ईटा वगैरह केयरिंग वो सब तो कर लेती हूँ सर, जानती हूँ। देखिए मकान बनाना है, इतना बढ़िया बनाना है ताकि अगल बगल के सब लोग देखने के आए कि देखो भाई आरती जी ने कितनी बढ़िया मेहनत की, एक एक पाई का सदुपयोग किया और अच्छा मकान बनाया, ताकि आने वाले कई वर्षों तक मकान के कारण बच्चों को कोई परेशानी ना हो। तो अब तो जल्द ही आपका पक्का घर बन जाएगा, आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। हाँ सर। जब औरों के घर बनते थे और आपके लिए मिट्टी का घर था तो आपको क्या लगता था? मेरे भी मन करता था सर ऐसे घर में रहने को, पर अभी तो आप हमारा केंद्र सरकार के और त्रिपुरा सरकार से मदद से मेरे भी ऐसा घर हो जाएगा सर। इसके लिए मैं हमारा केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अनिता जी, जब से हमें आप सब देशवासियों ने जनता जनार्दन की सेवा का मौका दिया है, हमारी सरकार ने गरीब के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे देश के जनजातीय भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो, इसके लिए हमने बहुत कोशिश की है। एकलव्य स्कूल से लेकर वन उपज की एमएसपी तक, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक, सभी मूलतः इसी सोच के कारण आज योजनाएं बन रही हैं, बजट तय किया जाता है और जमीन पर उसको पक्का उतारा जाता है। तो अनिता जी, आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुभकामनाएं। अब आपको पक्का घर मिलेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई करोगे तो जिंदगी भी पक्की बन जाएगी। मोदी आकर के घर पक्का बना सकता है, लेकिन जिंदगी पक्की बनाने में आपके बच्चों की शिक्षा बहुत काम आएगी। तो पढ़ाओगी ना? हाँ सर, पढ़ाऊंगी। अच्छा, चलिए नमस्कार। आइए अब हम सोमा मजूमदार से ही बात करते हैं। सोमा जी नमस्ते। नमस्कार सर। सोमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, जरा आप बताइए, ये भी बताइए कि आप अभी जहाँ रहती हैं वो कितने साल से रहती है और कैसे घर में रहती हैं आप? प्रधानमंत्री जी अपना थेके जानते चाहिए सोमा जी, जे आपने किभाबे आछेन, केमन आछेन आर एखन किरकम घरे बाड़ीते थाकछेन, कत बछर धरे थाकछेन ओखाने? नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, आमार नाम सोमा मजुमदार दास, शिकारीबाड़ी पूर्व दुर्लभ नारायण पंचायत नलचर ब्लक सिपाहीजला त्रिपुरा बासिंदा। आमी एखन एमजी रेखार काज करी, 1000 टाका भाता पाई, एभावे आमार संसार चले। एखन आमार घर माटिर देवाल टीनेर छानी, आमार परिवारे दुजन आमी आमार छेले। आमार स्वामी विगत 8 बछर आगे मारा गेछेन, एखन आमार ए इनकामे चले আর বাকিটুকু সময় একটু বাস বেতের কাছে। নমস্তে সোমা জি, আপনি যে বলা মে থোড়া বহুত তো সমঝ গয়া, লেকিন মে চাহুঙ্গা কি দেশ কে লোক আপকো সুন রহে হ্যায় তো ইসকা হিন্দি মে মুঝে বতা দিয়া যায়। নমস্তে স্যার, মেরা নাম দীপালি পাল হ্যায়। সোমা জি কে রহি হ্যায় কি ইয়ে শিকারি বাড়ি পূর্ব দুর্লভ নারায়ণ গ্রাম পঞ্চায়েত नौछरा आड़ी ब्लॉक सिपाही जला में रहती है। उनका परिवार में ये और उनका बेटा रहते हैं। उनका पति 8 साल पहले गुजर गए हैं।
ये रेगा के में काम करती है और उनको जो भाता मिलते हैं उनसे उनका परिवार का गुजारा होता है। ये जो काम करते हैं बीच बीच में जब वक्त मिलते हैं, दीदी बेम्बो का काम भी कर लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट का। और दीदी का घर कच्चे मिट्टी से बने हुआ है, जो उनका छत है वो टीन से बना हुआ है। अच्छा सोमा जी, आपके बगल में जो बैठा है उनको जानती हो कौन है? सर जिज्ञासा करता से आपनार साथे जे बसे आछे साइडे, आपनी की ओनाके जानें? हाँ जानी सर। कौन है दीदी? बोलछे उनी जानें, उनी एकजन मंत्री। नाम दे रही दीदी कह रही है प्रतिमा, वो मंत्री है दीदी प्रतिमा भूमिक। आप जानती हो प्रतिभा जी को? जानी दीदी कह रही है वो जानती है। जानती है। अच्छा सोमा जी, आज आपको अपना घर बनाने के लिए पहली किस्त मिली है। आपका घर बन जाने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली से मैं एक मोबाइल फोन पर जरा क्लिक करूंगा और आपके पास पैसा पहुंच जाएगा, कभी सोचा था? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिज्ञेस करते हैं जे आपने घर आज के प्रथम किस्ती पे छेन, आपने घर तैयारी होर पर की रकम सुविधा पाइबेन, आपने की कोनो दिन भावसेन जे प्रधानमंत्री जी एक टीपीर माध्यमे फोने जे आपनार अकाउंटे टाका पाठिये देबे? असंख्य असंख्य धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपनाके। आमार अनेक दिनेर स्वप्न छिलो जे आमी एकटा पाका बाड़ी बानाबा, एखन आमार स्वप्न पूरण होते चलेछे। आमार बृष्टि बर्षाते कोनो आर असुविधा होबे ना। प्रधानमंत्री जी टाका पाठाइछे एमनटा? सर सोमा जी कह रही है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उनका भी एक सपना था कि उनका एक पक्का घर हो, मिट्टी का घर था, तो उनको जो घर मिली है उनके लिए बहुत सपना पूर्ण हो गया और बहुत खुश है। तो उनको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस घर के वजह से, बारिश में। मैं ने कहा आपने कभी सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ से मोबाइल फोन से आपको पैसा पहुंचा देता है और आपके खाते में पैसा पहुंच गया? सर जिज्ञेस करते से जे आपने कोनो दिन भावसेन जे ये पैसे सर पहुंचे, इसकी कोई जानकारी है आपको इसके विषय में? अकाउंटे जे टाका ढुकसे आपने ये विषय किछु जानेन कि जानते भावसेन कोनो दिन भावसेन जे अकाउंटे प्रधानमंत्री एभाबे आपनारे टाका दिबे मन भावसेन नि कोनो दिन? না স্যার কোনো দিন ভাবছি না, এখন আমি অনেক খুশি এ টাকা পাওয়াতে, ঘর পাওয়াতে। স্যার দিদি বল রই হে উনোনে কবি সোচা নেই থা এসা হোগা, আবি ঘর পাকে অর উনকে অ্যাকাউন্ট মে পয়সা পৌঁছ গয়ে ইস বজে সে বো বহুত খুশ হে। তা সোমা জি, ই জো পহলি কিস্ত আপকো পৌঁছি হে অর জেসেই আপ আপনা মকান বানানা শুরু করোগি उसको आपको अगली किस्त भी मिलेगी, और जैसे जैसे मकान बनता जाएगा हमारी तरफ से पैसा भी आता जाएगा। तो अब काम है ये पैसा इधर उधर जाना नहीं चाहिए, इसी काम के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, होगा ना? सर अपना के जिज्ञेस बोलछे सर जे घर पावर जन्य जे अपने टाका तो पेयेछेन घर एर जन्य खर्च करतेन, जत দূর আপনি টাকাটা পেয়েছেন কিস্তি পাবেন, ঘর তৈরি করতে থাকবেন, কোনো অন্য দিকে যাতে টাকাটা খরচ না হয়। স্যার যে কথাটা কইছে ওইভাবেই তো করবেন ঘর? হ্যাঁ স্যার, আমি অন্য কোনো টাকা খরচ করব না, আমি শুধু অন্য পথে টাকা খরচ করব না স্যার, আমি শুধু ঘরের কাজে লাগাব। স্যার দিদি বল রই হে কি ইয়ে ঘর কে কামে পয়সা খরচ করেঙ্গি और इधर उधर पैसा खर्च नहीं करेंगे। अच्छा सोमा जी, मुझे अच्छा लगा आपने पक्का इरादा कर लिया है
मैं तो सभी त्रिपुरा वासियों से बात करता हूँ, सोमा जी से चर्चा करता हूँ, लेकिन सभी त्रिपुरा वासियों से कहता हूँ, पिछले 7 साल से हमारी कोशिश यही रही है कि हमारे देश के हर नागरिक को उसका हक बिना किसी परेशानी से मिलना चाहिए, कोई बिचौलिया नहीं। पहले क्या होता था कि कोई योजना आती थी तो वो कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही खत्म हो जाती थी, असली लाभार्थी तक पहुंच ही नहीं पाती थी, अरे लाभार्थी की सूची तक नहीं बनती थी। हमने इसको बदलने की कोशिश की है और जागरूक नागरिकों की मदद से हमें इसमें बहुत सफलता भी मिली है। आपको अपने घर की पहली किस्त के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे मंत्रिपरिषद के साथी हमारी प्रतिमा जी भी वहां बैठी हैं, वो बहुत मेहनत करती हैं। आप लोगों की भलाई के लिए भारत सरकार में लगातार नए नए विषय लेकर के आती हैं, तो आप सबने आज मिलकर के अच्छा काम शुरू किया है, मेरी तरफ से बधाई। आइए हम समीरन नाथ जी से मिलते हैं। समीरन नाथ जी नमस्ते। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए समीरन जी बैठिए। सर मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दे रहा हूँ सर। अच्छा समीरन जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप अभी कैसे घर में रहते हैं, क्या करते हैं, जरा थोड़ा बताइए ना अपने विषय में। सर मेरा नाम समीरन नाथ है, धर्मनगर नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जुबराजनगर गांव में रहता हूँ सर, और हमारी कच्चा घर है सर, बेम्बा का वाल, टीना का चावनी है, और मैं खेती बाड़ी में काम करता हूँ सर। मेरा घर में 4 लोग है, मैं, मेरा पत्नी और मेरा 2 बच्चा है सर, 1 लड़का 1 लड़की। समीरन जी ऐसे आप आज ऐसे बंठन करके बैठे हैं, लगता है जैसे आज ही दिवाली आई है आपके यहाँ तो। हाँ बोलिए समीरन जी। हाँ सर बहुत खुश है सर। बहुत खुश है? हाँ सर बहुत खुश है। वाह। अच्छा समीरन जी, आपको क्या ये पता है कि आज जो किस्त मिली है उसके अलावा नए घर में आपको और क्या क्या लाभ मिलने वाला है, पता है क्या? तो मुझे पता है सर। हाँ बताइए। आज तो किस्ती मिलने वाला है और 2 किस्ती मिलेगा, फिर भी हमने सुना है सर रेगा की तरफ से 95 डेज 1 दिन 212 रुपया करके हिसाब करके लगभग 20,000 रुपया मिल सकता है, मिलेगा। और भी सुना है सर अगर किसी को घर बनाने में तकलीफ होगा तो 70,000 रुपया लोन भी मिलेगा। आपके यहाँ घर के लिए सर्वे कैसे हुआ है और आपके नाम का चुनाव कैसे हुआ, आपको पसंद कैसे किया गया? सर फेब्रुआरी मार्च महीने को ब्लॉक से इंजीनियर और पंचायत सेक्रेटरी जीआरएस तीनों आया हमारे गांव में, तो गांव में सर्वे किया सर। उस टाइम मेरे घर में गया, वो लोग मेरा घर भी सर्वे किया, तो 14 अगस्त को ग्राम सभा हुआ, तो ग्राम सभा में हमने पंचायत में गया, तो पंचायत में जाने के बाद वो लोग बोला था तो समीरन नाथ तुम्हारे कच्चा घर सेंक्शन, कच्चा घर है तुमको पक्का घर मिलेगा, सेंक्शन हो रहा है तो तुमको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जॉब कार्ड। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिया सर, अभी सुन रहा हूँ मेरे को पक्का घर मिलेगा, बहुत खुश है सर, मेरा दिल में बहुत खुश है। अच्छा सुमरन जी आप खुश है, तो मछली वछली पकेगी बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आपको जो घर के लिए अपनी किस्त मिली है, क्या इसके लिए, ये सच्चा बताना मुझे, हाँ सर, आपको किसी को बिचौलिए को पैसा देना पड़ा क्या, कोई रिश्वत देनी पड़ी क्या,
कुछ बेईमानी का रास्ता लेना पड़ा क्या? ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं देना पड़ा सर। नहीं, जोर से बताओ, हिम्मत से। हाँ, जोर से सर बोल रहा हूँ। किसी को पैसा नहीं दिया, किसी ने मंगाया भी नहीं सर। किसी ने कुछ मांगा नहीं है ना? नहीं सर। किसी को कुछ दिया नहीं ना? नहीं सर। ये आपका हक है। हाँ सर। और आपका हक पूरा करना ये मेरा जिम्मेवारी है। धन्यवाद सर। देखिए सिमरन जी, हमारी यही कोशिश है कि देश के सामान्य मानवी को किसी भी योजना के लिए ना तो भटकना पड़े, ना ही उसके पास इस पैसे कोई बिचौलिए छीन ले जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शी ढंग से चयन, घरों की जियो टैगिंग, ग्राम सभा में नाम का ऐलान, निष्पक्ष सर्वे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसी सोच का हिस्सा है। आपको पहले की सरकारें भी याद होगी जहां पर कट कल्चर के बिना कोई काम ही नहीं होता था। तो सिमरन जी खुश हैं? खुश है सर। आपके गांव में औरों को जिनका घर तय हुआ वो भी खुश है? हाँ सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आइए श्रीमती कादर बिया से बात करते हैं। कादर जी नमस्ते। अच्छा, आपको क्या ये पता है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त में कुल कितना पैसा मिलने वाला है? आपको मालूम है, जो अभी मैंने रवाना कर दिया है आपके खाते में पहुंच गए, आपको मालूम है कितना मिलने वाला है? आपने की जाने जे अपने घर बनाने लेगा प्रथम किस्ती कत टाकार पाइबेन? 40,000। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कादर भैया जी बता रही है कि उनको घर बनाने के लिए पहली किस्त 48,000 रुपए मिलेंगे। आपको मालूम है ना, देख लेना, जरा भी कुछ कम आया है तो बोल देना। अपना जदि 48,000 থেকে কম টাকা আয়ে দিলে সারে জানাইতে কইছ। জানাম। দিদি বল রহি কি ও আপকো বতাएंगे। আচ্ছা কাদের জি, क्या कभी सोचा था कि सरकार आपका घर बनाने के लिए आपके बैंक खाते में पैसे दे देगी और आपको कहेगी कि आपको जैसा घर बनाना है ऐसा बनाओ, हम आपको पूरा घर बनते बनते पैसे देते जाएंगे? कभी सोचा था? आपने की कखनो ভাবছেন যে আপনি ঘর বানানোর লাগি সরকার আপনার টাকা দিব? আপনি কখনো ভাবছেন যে সরকার আপনার টাকা দিব ঘর বানানোর লাগি? তুই এক স্যার, वो उनका बहू है सर, वो अगर बात करे तो ये तो अच्छी बात है, सास बहू को आगे कर रही है तो बहुत खुशी की खबर है। बोलो, बात करो। आपने कौन भापसे जी? आप मेरे बहू का नाम बोलो। मेरा नाम सलमा खातून है। हाँ बताइए। आपने कौन भापसे जी शॉर्टकट थी का अपने टाका दे वो हुई वो घोड़ बनाने लिखा ना? কোনোদিন ভাবছি না এরকম সরকার এত টাকা দিব যে আমি এরকম ফাঁকা ঘর তুলতে পারব। স্যার, দিদি বতা রই হ্যায় কি উনোনে কভি সোচা নাই থা কি উনকো সরকার সে পয়সে মিলেগা আপনা এক পাক্কা ঘর বানানে কে লিয়ে। দেখিয়ে, মুঝে খুশি হুই আপকে পরিবার কো। বচ্চে কা নাম ক্যা রাখা হ্যায়? বচ্চে কা নাম? আপনার বাচ্চার নাম কি? আবির আহমদ।
आबिर अहमद। वाह, देखिए मुझे विश्वास है पक्का घर आपके जीवन में अनेक खुशहाली भी लेकर के आएगा। आप जैसे साथी इस बात के साक्षी हैं कि कैसे हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव, बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी सिफारिश हर गरीब का भला कर रही है। हर वर्ग, हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और यही तो है, जैसे हमारे अभी मंत्री जी ने बताया, गिरिराज जी ने, कि सबका साथ सबका विकास सबको आवास। पहले हुए सर्वे में जब हमें पता चला कि बहुत से परिवार कुछ नियमों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो हमने सरकार की ये जो आदत होती नहीं, उस आदत से बाहर निकलो भाई, मुझे तो नागरिकों की भलाई को सोचना है, उनकी मुसीबत दूर करनी है, तो हमने बदलाव भी किया। और अच्छा है कि उसके कारण आज आपको ये घर नसीब हो रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी विप्लव जी ने तेजी से इस पर काम किया और आप सभी को पहली किस्त आज मिल रही है। और इसलिए विप्लव जी को और उनकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से बधाई भी देता हूं। और अब आपको अंदर आता अंदाज आता होगा कि पहले की सरकारें, उनका काम करने का तरीका और हमारी सरकार में कितना बड़ा फर्क है। चाहे विप्लव जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, हम नियमों को लोगों के लिए बाधा नहीं बनने देते। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आपको इसलिए भी डबल बधाई कि इस घर का मालिकाना हक आपके पास होगा, महिलाओं के पास होगा। इस बात का हमने बहुत ध्यान रखा है कि पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने वो हो सके तब तक महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाए, उन्हीं के नाम पर बने। जहां वो संभव नहीं है वहां ठीक है, नियम हम कोई महिला है ही नहीं, सिर्फ पुरुष है तो उनके लिए करेंगे, लेकिन अगर परिवार है तो घर की महिला जो मुखिया है उसके नाम घर देंगे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उन मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन देने के लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। खुलू माखा, जय मां त्रिपुर सुंदरी। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, श्रीमती प्रतिभा भौमिक जी, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, सभी सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय निकायों के साथ पंचायतों के सदस्य और त्रिपुरा के मेरे उत्साही परिश्रमी सभी मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे नौजवान साथियों, त्रिपुरा के साथियों से बात करके मेरा विश्वास और बढ़ गया है। आज जिन जिन लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला अच्छा लगा। विकास की ये चमक अपने घर और सम्मानपूर्ण जीवन का ये आत्मविश्वास त्रिपुरा को और समूचे पूर्वोत्तर को
बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। नई सोच के साथ आगे बढ़ता त्रिपुरा आने वाले दिनों में कैसा होगा, इसका अंदाजा भी हम लगा सकते हैं। साथियों, हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आए, कोई बड़ी सफलता मिले, इससे हमें स्वाभाविक रूप से उत्साह, उमंग, एक नई ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन ये सफलता, उम्मीद की नई किरण अगर लंबे इंतजार के बाद प्रकट हो, जिंदगी भर अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और उसमें एक किरण नजर आ जाए तो उसकी चमक कई गुना ज्यादा होती है। जब से बिप्लव देव जी की सरकार बनी है, जब से दिल्ली में हमें और बिप्लव जी को साथ में काम करने का मौका मिला है, लगातार ये चमक बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा त्रिपुरा और समूचा पूर्वोत्तर ऐसे ही बदलाव का साक्षी बन रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई पहली किस्त ने त्रिपुरा के सपनों को भी नया हौसला दिया है। मैं पहली किस्त का लाभ पाने वाले करीब करीब 1.5 लाख परिवारों को, सभी त्रिपुरावासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री बिप्लव देव जी और उनकी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में सरकारी कल्चर को, पुराने काम करने के ढंग को, पुराने रवैये को बदला है। जिस युवा जोश के साथ विप्लव देव जी की काम कर रहे हैं, वही युवा जोश, वही ऊर्जा पूरे त्रिपुरा में दिखाई दे रही है। साथियों, मुझे याद है 4-5 साल पहले तक लोग कहते थे कि त्रिपुरा में दशकों से एक ही सिस्टम चल रहा है, यहां बदलाव संभव ही नहीं है। लेकिन जब त्रिपुरा ने बदलाव करने की ठानी तो त्रिपुरा का विकास रोकने वाली पुरानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। अब त्रिपुरा को गरीब बनाए रखने वाली, त्रिपुरा के लोगों को सुख सुविधाओं से दूर रखने वाली उस सोच की त्रिपुरा में कोई जगह नहीं है। अब यहां डबल इंजन की सरकार पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से राज्य के विकास में जुटी है। अब अगरतला और दिल्ली दोनों एक साथ मिलकर त्रिपुरा के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं, मेहनत करते हैं और परिणाम लेकर आते हैं। आप देखिए, बीते 4 वर्षों में त्रिपुरा के गांवों में करीब 50,000 परिवारों को पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाकर दिए जा चुके हैं। अब करीब 1,60,000 नए घरों की स्वीकृति दी गई है। एक साथ एक ही बार में जो घर स्वीकृत हुए उनमें से करीब 1.5 लाख परिवारों को आज पहली किस्त भी जारी हो गई है, और वो भी एक साथ एक ही बार में, एक बटन दबा करके। त्रिपुरा का ये मिजाज, त्रिपुरा की ये स्पीड
कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में भी देखने को मिली। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में पूरा 100% वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड सबसे पहले त्रिपुरा ने ही बनाया था और अब त्रिपुरा 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी के भी 100% टीकाकरण के करीब है। साथियों, पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों से हमारी नदियां तो पूर्व आती थी, लेकिन विकास की गंगा यहां पहुंचने से पहले ही सिमट जाती थी। देश के समग्र विकास को टुकड़ों में देखा जाता था, सियासी चश्मे से देखा जाता था। इसलिए हमारा पूर्वोत्तर खुद को उपेक्षित महसूस करता था, लेकिन आज देश के विकास को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देखा जाना चाहिए। विकास को अब देश की एकता अखंडता का पर्याय माना जाता है। पहले नीतियां दिल्ली के बंद कमरों में बनती थी और पूर्वोत्तर को उनमें फिट करने की नाकाम कोशिश होती थी। जमीन से ये कटाव ही अलगाव को जन्म देता है। इसलिए पिछले 7 सालों में देश ने एक नई सोच, नई अप्रोच तय की है। अब दिल्ली के हिसाब से ही नहीं बल्कि यहां की जरूरतों के हिसाब से नीतियां बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना को ही लीजिए, पक्के मकान को लेकर कुछ नियम त्रिपुरा के लाखों परिवारों के सामने बाधा बन रहे थे, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा की भौगोलिक परिस्थितियों को समझा, उसके हिसाब से नियम बदले, आवश्यक नीतियां बनाई और उसके कारण आज हजारों नए परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। विकास के लिए यही संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, हमने इस ओर भी ध्यान दिया कि यहां के वातावरण और रहन सहन के हिसाब से घर कैसे होने चाहिए। हमने घरों का साइज भी बढ़ाया और उन्हें नई सुविधाओं से भी जोड़ा। साथियों, पीएम आवास योजना की जो एक बहुत बड़ी ताकत है उसके बारे में मैं देश को बार बार बताता हूं, और जिस स्थान को त्रिपुर सुंदरी का विशेष आशीर्वाद मिला हो वहां तो मैं इस बात का जिक्र जरूर करूंगा। सदियों तक हमारे यहां जो सोच रही उसमें महिलाओं के नाम पर घर नहीं होता था, महिलाओं के नाम पर संपत्ति नहीं होती थी। पीएम आवास योजना ने इस सोच को भी बदलने का काम किया है। इस योजना के तहत जो घर बनते हैं उनका मालिकाना हक ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों को मिल रहा है, अब वो घर के कागज पर भी घर की मालकिन बन रही है। इतना ही नहीं, पीएम आवास योजना से मिले घरों में जो गैस का कनेक्शन मिल रहा है, बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी कनेक्शन मिल रहा है, उन सब का लाभ भी हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ही सबसे ज्यादा हो रहा है। साथियों, भारत के विकास में
आत्मविश्वास से भरी हुई भारत की महिला शक्ति भारत को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इस महिला शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली बहनों को जनधन खातों के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। उन्हें बिना गारंटी ऋण में भी काफी बढ़ोतरी की गई है। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये राशि बढ़ाकर दोगुनी यानी 20 लाख कर दी गई है। मुझे खुशी है कि त्रिपुरा सरकार की भी महिलाओं को सशक्त करने में पूरी शक्ति से काम करने की उनकी नीतियां रही है। यहां पहले जो सरकार थी, बिप्लव देव जी के आने के पहले की बात कर रहा हूं, उसके 5 साल में त्रिपुरा में सिर्फ 4000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे, जबकि यहां 2018 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 26000 से ज्यादा नए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं। इनसे जो महिलाएं जुड़ी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना रही हैं, बैंबू से जुड़े प्रोडक्ट बना रही हैं, हथकरघा के काम में जुटी हैं, त्रिपुरा सरकार इन्हें आर्थिक मदद दे रही है, इन्हें निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, कैसे कम समय में बड़े बदलाव हो सकते हैं, सीमित समय में नई व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती हैं, आज मैं त्रिपुरा को बधाई देता हूं कि त्रिपुरा ने करके दिखाया है। पहले यहां कमीशन और करप्शन के बिना बात ही नहीं होती थी, लेकिन आज सरकारी योजनाओं का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक खातों में पहुंच रहा है। पहले अपने एक एक काम के लिए सामान्य मानवी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब तमाम सेवा और सुविधाएं देने के लिए सरकार खुद आपके पास आती है। पहले सरकारी कर्मचारी समय पर सैलरी मिल जाए इसके लिए परेशान रहते थे, अब उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। पहले यहां किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब त्रिपुरा में पहली बार किसानों से एमएसपी पर फसल की खरीदी की गई है। यही त्रिपुरा, यही लोग, यही सामर्थ्य, लेकिन पहले स्ट्राइक कल्चर के कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी, वही अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से जिन्हें लाभ हो रहा है, उनमें से अधिकांश गरीब, दलित, पिछड़े और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन है। हमारा पूर्वोत्तर तो देश की सबसे पुरानी और समृद्ध आदिवासी संस्कृतियों का भी केंद्र है। आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने
देश के लिए अपना बलिदान दिया है, इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कल जो 15 नवंबर आ रही है, कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा। ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। और जब जनजातीय गौरव दिवस की मैं बात करता हूं, जैसे आजादी के पूरे आंदोलन में 15 अगस्त का एक विशेष मूल्य है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हमारी परिपाटी में 26 जनवरी का एक विशेष मूल्य है, जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में राम जन्मभूमि का राम नवमी का महत्व है, जैसे हमारे जीवन में कृष्णाष्टमी का महत्व है, वैसे ही 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती अहिंसा दिवस के रूप में स्थान है, जैसे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी जन्म जयंती देश के एकता के संदेश के साथ जुड़ी हुई, वैसे ही अब 15 नवंबर हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा और देश की जनजातियों ने देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी करना चाहते हैं, इन सबको उमंग के साथ आगे बढ़ा जाएगा। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव, देश का ये महोत्सव पूर्वोत्तर के रंगों और यहां की संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश जिन ऊंचाइयों को हासिल करेगा, उसका नेतृत्व, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये मेरा पूर्वोत्तर को करना है। आज पूर्वोत्तर में विकास को हर दिशा में, हर आयाम में गति दी जा रही है। यहां प्रकृति और पर्यटन से जुड़ी इतनी अपार संभावनाएं हैं, दक्षिण एशिया से भारत को जोड़ने के रास्ते हैं, व्यापार के अपार अवसर है। ये सब संभावनाएं साकार तक होगी जब जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पिछले दशकों में इस दिशा में जो कमी रह गई, उसे आज तेजी से पूरा किया जा रहा है। आज पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी बन रही है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं। इसी तरह जिन इलाकों को पहले दुर्गम समझकर छोड़ दिया जाता था, वहां नए नए हाईवेज बन रहे हैं,
चौड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी नई रेल लाइनों के लिए, नए नेशनल हाईवेज के लिए काफी काम हुआ है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में पूर्वोत्तर की पहचान को, यहां की प्रगति को नए सिरे से गढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ये संकल्प, पूर्वोत्तर में आ रहे ये बदलाव निकट भविष्य में देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। फिर एक बार इतने बड़े महत्वपूर्ण काम, छोटे से राज्य में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण छलांग, मुझे भी गर्व देती है, आनंद देती है। आप सब लाभार्थियों को, त्रिपुरा के नागरिकों को, पूर्वोत्तर के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके